वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट. इन लास्ट लेक्चर वी स्टडी द सेकंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट विच इज़ अ फुल वेव रेक्टिफायर. सो इन टूडेज लेक्चर वी विल टेक द सम प्रॉब्लम विच आर बेस्ड ऑन दिस हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर. देन वी स्टार्ट विद द सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ दिस हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर एंड देन वी सी द फिल्टर सर्किट, हाउ वी कैन यूज द फिल्टर्स इन द टू फिल्टर आउट दिस रिपल्स from the outputs of these rectifiers. Then we start with the video. Then we first start with an example. So the example is given: if the frequency of the input voltage is 50 hertz, so it is applied to a half wave rectifier, and second one will be the full wave rectifier, then what is the output frequency in both the cases? ठीक है, तो यहाँ पे जो frequency दिया है हमें 50 hertz, ठीक है, तो वो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को एंड फुल वेव रेक्टिफायर दोनों को अप्लाई किया. ठीक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा इन केस में? ठीक है, तो ये हमें पूछा है. सो वी स्टार्ट विद सॉल्यूशन. फर्स्ट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज़. ठीक है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में होगा वो 50 हर्ट्ज़ है, क्योंकि बिकॉज वन एसी इनपुट पल्सेटिंग वी गेट वन साइकिल ऑफ डीसी. तो हमने ऑलरेडी हाफ वेव रेक्टिफायर का स्टडी किया है. तो जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं एसी, जो कि बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, सो आउटपुट जो है हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली फॉर पॉजिटिव अपसाइकल विल गेट द आउटपुट ड्यू टू द ओनली डायोड डी विल बी ऑन एट दैट केस. ओके, तो जो आउटपुट मिल रहा है सिर्फ हमें एक ही साइकिल मिल रहा है यहाँ पे. ओके, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज़. ओके, सेकंड केस फॉर फुल वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज़, बिकॉज इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर द बाय डायरेक्शनल ए सी इज गिवन एज द इनपुट, बट द आउटपुट ऑप्टेन इज फॉर बोथ द हाफ साइकिल, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव हाफ साइकिल. ठीक है, सो दैट्स वाई द फ्रिक्वेंसी विल बी डबल, दैट इज 100 हर्ट्स. सो दैट इज द सोल्यूशन फॉर दिस एग्जाम्पल. Then the next part will be the some parameters of this rectifier circuit. So the first will be the ripple factor. The output of rectifier consists of small fraction of AC component along with DC, that is called as a ripple. ठीक है, तो जो output मिल रहा है हमें rectifier का, तो उसमें कुछ AC contents भी include है. ठीक है, DC content के साथ. ठीक है, तो वो जो ripples है, ठीक है, means that AC contents in the output of DC or the output of rectifier, so that is called as a simply ripples. ठीक है, तो जो ripples है वो undesirable है. ठीक है, और the fluctuations भी हम उसको कह सकते हैं. So this ripples is undesirable and it is responsible for the fluctuation in the rectifier output. तो ये जो ripples है undesirable है, एंड इसकी वजह से जो rectifier का output है तो उसमें fluctuations create होंगे. तो रिपल्स जो है वो कम से कम होना चाहिए रेक्टिफायर के आउटपुट में. ठीक है, फॉर बेटर इफिशियंसी. ठीक है, सो द इफेक्टिवनेस ऑफ रेक्टिफायर डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल कंपोनेंट्स आउटपुट. ठीक है, तो जो इफेक्टिवनेस है रेक्टिफायर सर्किट का, तो वो डिपेंड रहेगा कि जो मैग्नीट्यूड है रिपल्स का वो कम से कम हो आउटपुट में. ठीक है, सो रिपल इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी विद द डीसी. ठीक है, सो दैट विल क्रिएट द रिपल्स, क्योंकि हमें जो है प्योर डीसी चाहिए आउटपुट में. ठीक है, रेक्टिफायर के आउटपुट में, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट कंटेन्स सम पार्ट ऑफ एसी आल्सो इन डीसी, सो इट इज़ अनडिजायरेबल. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिपल्स. और स्मॉलर रिपल्स मीन्स दैट रेक्टिफायर इज मोर इफेक्टिव. ठीक है, तो जितना ये रिपल फैक्टर कम रहेगा उतना रेक्टिफायर का इफिशियंसी इंक्रीज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया है. सो रिपल इन द आउटपुट ऑफ डीसी आउटपुट, सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे होंगे कि ये डीसी है कांस्टेंट. ठीक है, सो दैट इज़ वीडीसी, दैट डीसी वोल्टेज इज देयर. ठीक है, एंड दिस वी रिपल मीन्स इट इज़ अ एसी कॉम्पोनेंट. ठीक है, जो ग्रीन लाइन से यहाँ पे मार्क किया है मैंने. ठीक है, तो ये जो आपका ए सी है, सो
the combination of these two, DC as well as this AC repulse, so that forms a simply ripple. Okay, this ye dono ka combination hai, DC plus AC, so that forms a ripple. So these ripples are smaller for the better efficiency of a rectifier. तो ये एक पैरामीटर हो गया रेक्टिफायर्स का. सो टू कैलकुलेट द रिपल फैक्टर वी हैव द फॉर्मूला. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वेयर, दैट इज आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कॉम्पोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डी सी कॉम्पोनेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट, दैट इज नोन एज अ रिपल फैक्टर. ठीक है, तो रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो रूट मीन स्क्वेयर, दैट इज आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डी सी कॉम्पोनेंट. तो इसका जो रेशियो है वो आपका रिपल फैक्टर है. तो इस तरह से हम रिपल फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें आर एम एस वैल्यू पता है ए सी कॉम्पोनेंट का एंड डी सी कॉम्पोनेंट का. देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी द फिल्टर सर्किट. तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है फिल्टर सर्किट विथ कैपेसिटर. तो यहाँ पे कैपेसिटर का एज अ फिल्टर यहाँ पे यूज़ किया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो रेक्टिफायर है, ठीक है, जिसमें हमने हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें डायोड्स यूज़ किए. ओके, सो द आउटपुट में हमें मिलेगा डीसी. ठीक है, सो दैट डीसी कंटेंट्स एसी कंपोनेंट आल्सो मींस रिपल, जिसका हमने अभी स्टडी किया. तो रिपल कंपोनेंट्स को कम करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फिल्टर. ठीक है, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या चाहिए, प्योर डीसी चाहिए, दैट इज़ सिंपली अ कॉन्स्टेंट वैल्यू. ठीक है, बट इसमें जो रिपल्स है एसी कंपोनेंट, तो उनको हमें रिमूव करना है, तो हमें फिल्टर सर्किट लगेगा. दैट्स व्हाई फिल्टर्स आर यूज एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर के आउटपुट में हम फिल्टर यूज़ करेंगे ताकि हमें प्योर डीसी मिले एट द आउटपुट ऑफ लोड. ठीक है, सो दिस आरएल इज नथिंग बट द लोड. सो दिस कैपेसिटर इज यूज एज अ फिल्ट्रेशन पर्पज. सो हियर द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. ठीक है, तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट रहेगा वो इन द फॉर्म ऑफ पल्स रहेगा. मीन्स इट कंटेन्स द ए सी एज वेल एज डी सी लाइक दैट. ओके, सो द आउटपुट इज यूनिडायरेक्शनल बट द आउटपुट डज नॉट हैव अ स्टेडी वैल्यू. ठीक है, तो आउटपुट यूनिडायरेक्शनल होगा बट उसका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, सो दैट इज अ डी सी. ओके, सो इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग ड्यू टू द रिपल कॉम्पोनेंट. तो उसमें जो ये इस तरह से फ्लक्चुएशंस होंगे, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंटेशन और प्रेजेंशन ऑफ ए सी कॉम्पोनेंट्स इन इट. सो फिल्टर इज रिक्वायर्ड. सो फिल्टर सर्किट इज जनरली यूज टू रिमूव दिस रिपल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. तो इसलिए हमने यहाँ पे कैपेसिटर एज अ फिल्टर यहाँ पे यूज़ किया है. तो ये जो कैपेसिटर है वो ए सी कॉम्पोनेंट्स को रिमूव कर देगा एंड विल गेट द प्योर डी सी कॉम्पोनेंट एट द आउटपुट, सो विच इज़ नथिंग बट द प्योर डी सी. सो दैट्स वाई फिल्टर सर्किट्स आर नेसेसरी और यूज एट द आउटपुट ऑफ दिस रेक्टिफायर. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिल्टर कैपेसिटर का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.